अगर आप भी इस तरह की टैडी ड्रेस के लिए एज जनरेटर से अपने नेम से इमेज क्रिएट कराना चाहते हो जिसमें कपल्स होंगे और कपल ड्रेस पे बॉय एंड गर्ल दोनों की कस्टमाइज नेम डालकर इस तरह अपने लिए इमेज क्रिएट करा सकते हो। तो टैडी डे इमेजेस के लिए मैंने इस वीडियो पे चार प्रॉम्प्ट से इमेज क्रिएट कराकर बताया है एंड ये चारों प्रॉम्प्ट से आप अलग अलग टाइप की इमेज इजिली क्रिएट करा सकते हो। तो ये सारे प्रॉम्प्ट्स आपको कहां से मिलेंगे वो आज की इस छोटी सी वीडियो पे बताया हूं। तो इसीलिए आज की समझ वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना और मेरे स्टेप को फॉलो करना। बल चलिए फिर आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एज जनरेटर टूल पे आ चुका हूँ। इस एज जनरेटर टूल से आप प्रॉम्प्ट डालकर अपने लिए डिफरेंट टाइप की इमेज क्रिएट करा सकते हो, बट यहाँ पे साइन इन करना जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले साइन अप हो जाना। अगर आप साइन अप या साइन इन नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरी वाली वीडियो को देख सकते हो, उस वीडियो पे आपको अच्छे से बता रहा हूँ कैसे आईडी क्रिएट करके यहाँ पे लॉग इन होना है। तो मैंने इस वीडियो के इंट्रो पे बताया कि टैडी डेज के लिए हमारे पास फोर प्रॉम्प्ट है। वो चार प्रॉम्प्ट में से फर्स्ट वाली प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से इमेज क्रिएट होके आएगी। और ये सारे प्रॉम्प्ट्स आपको एक पेज पे मिल जाएंगे, वो पेज पे आप कैसे जा सकते हो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप यहाँ देख लो कौन सी नंबर पे किस टाइप की एडिटिंग होगी ताकि आपको प्रोम कॉपी करने में आसानी हो। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले प्रोम को पेस्ट करके सबसे पहले आपको नेम को चेंज कर लेना है। तो वो कैसे यहाँ पे फाइंड करेंगे, नेम आप इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो विद नेम दीपक लिखा है, ये मेरा नाम है, आपको इसे हटा देना है। और उसके नीचे में ही देखो यहाँ पे निशा लिखा है, उसे आपको हटाकर गर्ल का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बॉय एंड गर्ल दोनों का नाम लिखने के बाद और यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्रिएट को प्रेस कर देना एंड इस तरीके से लोडिंग होगी मतलब क्रिएटिंग होगी। एंड क्रिएटिंग होने के बाद यहाँ पे इमेज क्रिएट होकर आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो फोर इमेजेस यहाँ पे जनरेट होके आई है। तो इन चारों फोटोज को आपको ओपन करके चेक कर लेना, अगर आपका नाम सही से यहाँ पे प्लेस हुई है तो आप उस इमेज को सेव कर सकते हो जो फोटो आपको सही लग रही है। एंड इस तरीके से सेव करने के बाद इसी प्रॉम्प्ट से हम फिर से जनरेट करेंगे बट कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे कि कपल की जो ड्रेस है उसे आप चेंज कर सकते हो, तो उसे चेंज करने के लिए आप देख सकते हो स्काई ब्लू लिखा है, उसे अब मैं ब्लैक कर देता हूँ। एंड उसके बाद जो मैं पिंक हुडी लिखा है वो गर्ल की ड्रेस है, उसे आप चेंज करना चाहते हो तो आप उसे भी कर सकते हो, बट यहाँ पे चेंज नहीं करूंगा। और यहाँ पे मैं कपल का नेम भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्रिसु लिखा एंड गर्ल का नेम यहाँ पे रहने देता हूँ। एंड यहाँ पे अगेन क्रिएट को प्रेस कर, यहाँ पे क्रिएटिंग हो रही है 5 से 10 सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये क्रिएट होके इमेज नहीं आ जाती है। नाउ आप देख सकते हो इमेज क्रिएट होके आ गई है एंड ये कलर कॉम्बिनेशन देखो बहुत ही सही लग रही है और यहाँ पे इमेजेस भी बहुत सही से यहाँ पे जनरेट होगी। तो यहाँ से जो इमेज सही लग रही है यहाँ से मैं डायरेक्टली सेव कर लेता हूँ और ये डायरेक्टली सेव हो जाएगी मेरे गैलरी पे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वाले प्रॉम्प्ट को ट्राई करा जिससे इस तरीके से इमेजेस क्रिएट हो गई है। नाउ आप चेक करते हैं सेकंड वाले प्रॉम्प्ट से किस तरीके से इमेज क्रिएट हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट वाले प्रॉम्प्ट को हटाकर सेकंड प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है एंड यहाँ पे देख लेना नेम कहाँ कहाँ पे लिखी है। जैसे कि आप देख सकते हो दीपक लिखा है एंड नीचे में मानसी लिखा है, तो ये दोनों नेम को चेंज कर लेना जिससे आप अपना कपल नेम डालकर इमेज क्रिएट करा सकते हो। तो यहाँ पे दोनों नेम को मैंने चेंज करा एंड क्रिएट को प्रेस करा। यहाँ पे कुछ सेकंड लोडिंग होगी एंड जैसे ही कम्प्लीट हो जाएगी यहाँ पे इमेज क्रिएट होकर आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इमेजेस क्रिएट होके आई है और यहाँ पे भी आपको चेक कर लेना अगर आपका नेम सही से यहाँ पे जनरेट हो गया है तो यहाँ से फोटोज को सेव कर लेना। अगर आपकी फोटो अच्छे से नहीं आई है, आई मीन नेम भी अच्छे से प्लेस नहीं हुए है, तो आप अगेन क्रिएट को प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगेन क्रिएट को प्रेस करा जिससे फिर से क्रिएटिंग हो रही है। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट होके आ गई है एंड यहाँ पे भी कुछ इमेजेस पे कपल नेम सही से जनरेट होके आई है। तो सेकंड प्रॉम्प्ट से कुछ इस तरीके से इमेजेस क्रिएट होगी। नाउ हम ट्राई करेंगे थर्ड वाली प्रॉम्प्ट को। तो यहाँ पे सेकंड वाली प्रॉम्प्ट को हटाकर यहाँ पे थर्ड वाली प्रॉम्प्ट को मैंने पेस्ट करा एंड यहाँ पे भी कपल नेम चेंज करना है तो आप यहाँ सेकंड लाइन में देख सकते हो, उसे हटाकर वहाँ पे अपना नेम रिप्लेस करके नीचे में गर्ल नेम भी लिखा होगा उसे भी हटाकर आप यहाँ पे नेम रिप्लेस कर सकते हो एंड क्रिएट को प्रेस कर देना एंड देखेंगे यहाँ थर्ड वाली प्रॉम्प्ट से कैसे इमेज आएगी। नाउ आप देख सकते हो थर्ड वाली प्रॉम्प्ट से कुछ इस तरीके से इमेजेस क्रिएट हो गया है बट यहाँ पे गर्ल्स का नेम यहाँ पे प्लेस नहीं हो पा रही है। तो मैं क्या करूंगा अगेन यहाँ पे जनरेट करूंगा बट यहाँ पे जो नेम है उसे मैं और दूसरा डाल के देख लेता हूँ। तो मैंने साहिल लिखा और यहाँ पे अगेन क्रिएट को प्रेस करा, यहाँ पे लोडिंग हो रही है। तो यहाँ पे भी इमेज क्रिएट होकर आ गई है बट यहाँ पे गर्ल की नेम नहीं आ रही है। बॉय के हुडी पे बॉय का नाम अच्छे से आ जा रही है बट गर्ल का नाम यहाँ पे जनरेट होकर नहीं आ पा रही है। तो थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, बाकी आप ट्राई करके देख लेना, ट्राई करने में तो पैसा नहीं लगता। बाकी इमेजेस बहुत ही अमेजिंग क्रिएट होकर आ रही है क्योंकि पूरा यहाँ पे नाइट एडिटिंग में आ रही है जिसमें मून वगैरह सब है और बैकग्राउंड में हैप्पी टैडी डे भी। तो ये प्रॉम्प्ट उनके लिए सही है जो गर्ल का नेम नहीं डालना चाहते, सो आप ट्राई कर सकते हो। नाउ हम ट्राई करेंगे लास्ट वाले प्रॉम्प्ट को मतलब फोर्थ नंबर वाले प्रॉम्प्ट को। उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये चारों प्रॉम्प्ट को कैसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो मेरी तरह। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर वाली प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर लेना और यहाँ पे अपना कपल नेम डालने के लिए जो किंग एंड क्वीन लिखा है उसमें आप कपल नेम डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने जैसे अमित लिखा और यहाँ पे गर्ल का भी नेम डालकर यहाँ पे क्रिएट को प्रेस करा, यहाँ पे क्रिएटिंग हो रही है और ये प्रॉम्प्ट से रियलिस्टिक इमेजेस क्रिएट हो जाएगी। तो देखेंगे यहाँ पे इमेज कैसे क्रिएट होगी। सो नाउ आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से रियलिस्टिक इमेजेस क्रिएट हो गई है। बॉय के हुडी में अमित लिखा है बट यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है जो गर्ल का जो यहाँ पे नहीं आ पा रही है,
क्योंकि जो हमने गर्ल का जो ड्रेस लिखा है वो हॉट टॉप लिखा है, अब वहाँ पे हुडी लिख लेना, वहाँ पे गर्ल का नेम इमेज जनरेट होके आ जाएगी, ठीक है, मतलब ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आप चारों प्रॉम्प्ट से अलग अलग इमेजेस क्रिएट करा सकते हो। तो अगर आप बॉय एंड गर्ल दोनों का नेम से इमेज क्रिएट कराना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट एंड सेकंड वाली प्रॉम्प्ट को ट्राई करना अपने लिए इमेज क्रिएट करने के लिए। एंड अगर आपको गर्ल का नेम से मतलब नहीं है, सिर्फ बॉय का नेम ही डालना है अपने ड्रेस पे, तो आप थर्ड एंड फोर्थ वाली प्रॉम्प्ट को ट्राई कर सकते हो, जो कि बहुत ही अमेजिंग एंड रियलिस्टिक है। नाउ अब चलिए आपको बताता हूँ कि ये प्रॉम्प्ट आप कैसे कॉपी कर सकते हो डायरेक्टली बिना टाइप वाइप करे, क्योंकि इतना सारा प्रॉम्प्ट लिखोगे तो आपका घंटों वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो प्रॉम्प्ट लेने के लिए सिंपली आपको कोई से भी ब्राउजर ओपन करके गूगल को ओपन कर लेना एंड यहाँ पे अपना एडिट लिखना। फर्स्ट वाली साइट को जिस तरीके से देखने को मिलेगी उसे आपको टैप करना है। ये ओपन होने के बाद सर्च वाले आइकन को प्रेस करना, देन यहाँ पे आपको सिंपली टैडी डे लिख के सर्च कर देना है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी। देन आपको यहाँ पे टैप करके ओपन कर लेना है और इस पेज के अंदर आपको सारे प्रॉम्प्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे स्क्रॉल अप करते जाओगे तो आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाले प्रॉम्प्ट अगर आप कॉपी करके पेस्ट करोगे एआई जनरेटर पे तो इस तरीके से इमेज क्रिएट हो जाएंगे। एंड वैसे ही नीचे में देख सकते हो सेकंड प्रॉम्प्ट के लिए कुछ इस तरीके से इमेजेस आएंगे और थर्ड के लिए एंड फोर्थ के लिए भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली आप कॉपी कर सकते हो। जैसे कि हमें फर्स्ट वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा एंड इसे कहाँ पेस्ट करेंगे, उसके लिए सिंपली आपको ऊपर पे आ जाना, यहाँ पे फोटो क्रिएटर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसे जस्ट आपको टैप करना है, देन ये टूल ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पे पेस्ट करके अपने लिए इमेज क्रिएट करा सकते हो। और हाँ, नेम को जरूर चेंज कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉमिस डे या फिर हग डे के लिए प्रॉम्प्ट चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।